पश्चिम रेलवे रतलाम से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए दो डेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चालू करने जा रहा है। ये दोनों ट्रेन रतलाम से इंदौर के अंबेडकर नगर यानी महू के बीच सप्ताह में प्रतिदिन चलाई जाएंगी, जिनमें जनरल टिकट से यात्रा की जा सकेगी। इन डेमू से रोज यात्रा करने वालों यात्रियों की परेशानी दूर होगी, क्योंकि इनमें MST यानी मंथली पास से सफ़र किया जा सकेगा। ये दोनों डेमू पैसेंजर 3 सितंबर से संचालित की जाएंगी, जिनकी सभी स्टेशनों पर टाइम टेबल की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं रतलाम से चलने वाली 09535 और 09536 रतलाम डॉक्टर अंबेडकर नगर डेमू की। दो यह डेमू ट्रेन रतलाम जंक्शन से दोपहर 1 बजे रवाना होकर उसी दिन दोपहर 4:35 पर अंबेडकर नगर स्टेशन पहुंचती है। अंबेडकर नगर से वापसी करते हुए यह डेमू ट्रेन सुबह 8:55 पर चलती है, जो उसी दिन दोपहर 12:50 पर रतलाम स्टेशन पहुंचकर अपना 140 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती है। रास्ते में यह ट्रेन इन स्टेशनों पर रुकती है, जिनमें राव राजेंद्र नगर, लोकमान्य नगर, सैफी नगर, इंदौर, लक्ष्मीबाई नगर, पालिया, बलौदा टाकू, अजनो, फतेहाबाद, चंद्रावतीगंज, ओसरा, गौतमपुरा रोड, पीरझालर, बरनगर, सुंदराबाद, रुनीजा, प्रीतमनगर और नौगावा जैसे छोटे छोटे स्टेशनों पर हॉल्ट लेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 09547 और 09548 अंबेडकर नगर रतलाम डेमो ट्रेन की। यह ट्रेन अंबेडकर नगर स्टेशन से सुबह 5:35 पर प्रस्थान करती है, जो उसी दिन सुबह 9:20 पर आपको रतलाम पहुंचा देती है। रतलाम से वापसी करते हुए डेमो शाम 7:20 पर निकलकर रात 10:55 पर अंबेडकर नगर स्टेशन पर अपना 140 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करती है। और यात्रा में ये दोनों डेमो गाड़ियां लगभग 4 घंटे का समय लगाती हैं, जिनका रूट और यात्रा में लगने वाला समय एक ही है। दोनों ट्रेनों के स्टॉप एक जैसे हैं। इनमें यात्रा करने वालों से जनरल किराया ही लिया जाएगा। डेमो पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव और इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrail.gov या फिर NTEs पर विजिट कर सकते हैं। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।